ये फिल्म में हार्ट है, जैसे आपने एबीसीडी 2 में भी देखा था कि क्लाइमैक्स में एक बहुत ही इमोशनल हार्ट आ जाता है, सेम वे इसमें भी है. इट्स एन आउट एंड आउट एंटरटेनिंग फिल्म, मतलब बच्चों के लिए, फैमिली के लिए. और मैंने बहुत वक्त से एक्चुअली फैमिलियों के लिए फिल्म नहीं की है, इन्होंने किया है छिछोरे छेटा, बट आई हैवंट डन फॉर अ व्हाइल. मैं थोड़ा सीरियस फिल्म्स कर रहा था, सो आई वांटेड टू डू अ फिल्म फॉर किड्स. मेरी अभी भी हाल ही में नीस हुई है, सो आई वॉन्ट टू डू अ फिल्म. मैं फिल्म ऐसे करना चाहता कि सारे बच्चे, बुजुर्ग, टीनेजर सब आके देख सकते हैं साथ में, अलग अलग बैठने की जरूरत नहीं है, साथ में देखो. I'm Irfan, तहजीब टीवी से. वरुण, मेरा सवाल आपसे है, आपने जुड़वा 2 में सलमान खान को काफी फॉलो किया है, तो क्या एक्सपीरियंस रहा और कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत तो बहुत करनी पड़ी यार. आई मीन देयर इज नो अदर सुपर स्टार, मेगा स्टार लाइक सलमान भाई हमारे देश में, और आई थिंक सारे यंगस्टर्स, बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं. बट जैसे हर फिल्म में अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, एंड यू हैव टू ट्राई एंड मेक दैट रोल योर सेल्फ. आप अपना कुछ डाल देते हो उनमें. सेम वे जैसे इसमें एक यूके लड़के का, पंजाबी कैरेक्टर का मैं किरदार निभा रहा हूँ, बट इसके अंदर भी मैं अपना थोड़ा डाल ही देता हूँ, क्योंकि आई थिंक फिर वो कैरेक्टर बनना मुझे फेक लगता है अगर फुल अलग लगे ना. मेरी थोड़ी परछाई तो होनी चाहिए कैरेक्टर में, उसका दिल में थोड़ा सा मेरा दिल भी होना चाहिए. Hi Shradha, hi Varun. This is Valinder Singh from East Duffy. Illegal Weapon 2.0 ने एक चीज तो साबित कर दिया कि जिस चीज की कमी महसूस की जा रही थी इस फिल्म में वो कम्प्लीट हो गई. एक पंजाबी सॉन्ग की कमी महसूस की जा रही थी वो कम्प्लीट हो गई. तो ये हम समझे कि बॉलीवुड में पंजाबी सॉन्ग अगर फिल्म में नहीं हो तो फिल्म अधूरी है, क्योंकि आइकॉनिक सॉन्ग मुकाबला तो आपने हिट कर ही दिया है. जी बिल्कुल सही गल की है आपने. पंजाबी सॉन्ग जो होते हैं, पंजाबी म्यूजिक कंपोजर जो होते हैं, सिंगर जो होते हैं, मैजिक होता है कुछ वो अपने, और हम दोनों पंजाबी है तो वो एक कल्चर में ही एक वो एक चीज है, मिठास है. तो डेफिनेटली जैसे जैस्मिन और गैरी ने इसमें गाया, हमारे पिक्चर में और भी गाने हैं. सिप सिप भी है जैस्मिन का, एक और पंजाबी गाना है नच्ची नच्ची जो सचिन जिगर ने कंपोज किया है. एंड इस फिल्म में तो बहुत मतलब पंजाबियों के लेके पार्टियों में तो पंजाबी गाने ही, मतलब सब लोग डांस फ्लो में तब आते जब कोई हिट पंजाबी गाना प्ले होता है, तो सबको मजा तब आता है, तब सबके हाथ हाथ एकदम मतलब मस्त मजे में. तो आई थिंक कि हमें भी, वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी कि हमारे. बट एक्चुअली एक बहुत कूल पॉइंट ये है कि जो हमारे डायरेक्टर है ये फिल्म के, रेमो डिसूजा, वो एक क्रिश्चियन है. जो एक्टर्स है पंजाबी है, जो अदर एक्टर्स है गुजराती है, महाराष्ट्रन है, मुस्लिम है, सिख है, पारसी है, मतलब हर जगह से, हमारे देश के हर कल्चर से, हर रिलीजन से लोग हैं इस फिल्म में अगर आप देखो. सो इट्स ट्रूली एन इंडियन फिल्म. आप देखोगे ना हर जगह से, हर कोने से लोग हैं इस फिल्म. Varun, you had a special surprise for all of us today, which is specially happening in Delhi for all of us. So can we please have a look at the surprise? Yes, specially aap logon ke liye ho raha hai, jitne log idhar auditorium mein hai. To pehle main chahta hu ki jitne bhi 3D glasses hai wo sabko please diye jaye. Agar aap sabke paas hai please humko bhi de do, hum log ko bhi maza lene do. Thoda dil ke niche unko bolna padega, niche gir gaya. Mango. एक्सपीरियंस कुछ और है 3D में. सो थैंक यू सो मच आप लोगों को इतना प्यार देने के लिए और वक्त देने के लिए. Thank you guys.